हरिओम, मेरा नाम उर्मिला वीरा गाड़ीगांवकर, बदलापुर पूर्व उपासना सेंटर। आज मैं आपको जो अनुभव शेयर करने जा रही हूँ वो मैंने कोविड के सिचुएशन में मैंने एक्सपीरियंस किया था। मैं हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स में पोजीशन में वर्किंग हूँ। तब जब कोविड चल रहा था मेरी पोस्टिंग चल रही थी, तो हॉस्पिटल भी अंडर मेंटेनेंस नया लिया था तो मेंटेनेंस का काम चल रहा था। तो उस वक्त ये अनुभव उस दिन का है जब मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी। जैसे मैं ड्यूटी के लिए आई उस दिन भी वो सीलिंग का लीकेज था, तो मैंने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में मैंने कंप्लेंट करवाई उसके बारे में। उसके बाद 5 मिनट के बाद मैं पेशेंट से बात कर रही थी और सडनली वो जो जहाँ सीलिंग का लीकेज था वहाँ पे मैं खड़ी थी और वो सीलिंग अचानक से पूरी तरह से गिर पड़ी। मैं पूरी तरह से घबरा गई थी और मन में बापू का जाप चल रही था, पर बापू की कृपा से कोई हानि नहीं हुई, पेशेंट को भी नहीं और मुझे भी नहीं। मैंने इमिजिएटली मेंटेनेंस टीम को कॉल किया, वो टीम आई, सीनियर्स आए, पूरी क्लीनिंग हो गई। 2 साल हो गए हम लोग कोविड में काम कर रहे, पर ना कोविड और कोई भी किसी भी तरह की मेजर बीमारी मुझे टच तक नहीं हुई। तो ऐसा लगता है बापू साथ में है, एक खुशी, मतलब एक एहसास होता है कि वो साथ में है। श्री राम भगवान।